मित्रों, दो दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिस आधार कार्ड के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस के लोग नाच रहे थे और न जाने देश के लोगों को क्या कोई बड़ी जड़ी बूटी दे दी है कि जो उनके हर संकटों से मुक्ति दिलाएगी। उस आधार कार्ड पर के वो खेल खेल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट से ऐसी डांट पड़ी है। आज सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी, देश पूछना चाहता है इस आधार कार्ड के पीछे कितने रुपए खर्च हुए, ये रुपए कहां गए, आधार कार्ड का लाभ किसको मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल उठाए हैं, ये सवालों के जवाब ये देश की जनता मांगती है आपसे। नौजवान मित्रों, में आज एक बात पहली बार आपके सामने रखने जा रहा हूं। पिछले 3 साल से मैं लगातार गुजरात की तरफ से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता रहा हूं और मैंने आधार कार्ड के संबंध में गंभीर सवाल उठाए थे। मैंने उनसे चेतावनी दी थी कि गुजरात हमारा सीमावर्ती राज्य है, आप इस प्रकार से किसी के माध्यम से किसी को भी आधार कार्ड देते जाओगे तो हिंदुस्तान में जो इन्फिल्ट्रेशन करने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा मिलेगा, पड़ोसी देशों के लोग हमारे यहां घुस जाएंगे, गैर कानूनी तरीके से वो नागरिक बन जाएंगे, हक छीन लेंगे हमारा, आप इस पर गंभीरता से सोचिए। मैंने उसकी पद्धति के संबंध में सवाल उठाए थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितने सवाल उठाए हैं वो सारे सवाल 3 साल पहले मैं देश के प्रधानमंत्री के सामने उठा चुका हूं। मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया था कि आप नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलाइए, मुख्यमंत्रियों को इस विषय में डिबेट कीजिए, चर्चा कीजिए, आधार कार्ड के नाम पर इस देश पर एक नया संकट लाओगे, आप इस पर गंभीरता से सोचो। उन्होंने नहीं सोचा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डंडा मारा तब उनको समझ में आएगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सवाल खड़े किए हैं तब मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि देश की जनता को बताएं, क्या जब आधार कार्ड की योजना आई क्या उन्हीं की सरकार के सभी डिपार्टमेंट इसमें सहमत थे, क्या कैबिनेट के सभी सदस्य सहमत थे, क्या यह सच नहीं है कि फाइलों पर अलग अलग डिपार्टमेंट ने इसका विरोध किया था। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है क्या हिंदुस्तान के सभी राज्य आपकी इस योजना से सहमत थे, क्या हिंदुस्तान के राज्यों ने सवाल या निशान नहीं खड़े किए थे, लेकिन ये अरबों खरबों रुपयों का आपने उड़ा दिया, गरीब के पेट में जाने वाले रुपये आपने लोगों को राजनीतिक रंग दिखाने के लिए पूरे कर दिए और इसलिए देश को आपने जवाब देना चाहिए।